After playing AC Valhalla for 100 hours, I can honestly say AC Valhalla is one of the best AC games and is right up there with AC Origins Black Flag. AC Valhalla perfect combination है older and newer RPG styled games का. The original AC games were too simulation based and newer were too grindy. But AC Valhalla perfect sweet spot है दोनों ideas के बीच का. One of the best things about AC Valhalla is that इसमें side activities वापिस आ चुकी हैं जो कि AC Origins and Odyssey में बिल्कुल भी नहीं थी. इस game में हर town में mini games खेलने को हैं, mountains पर stones के pillars बनाने को हैं, अपने camp में upgrade करने को है. This makes the world feel alive and fun to explore. The setting of AC Valhalla is Norway and England, which is not one of the best ones out there. For example, Egypt and ancient Greece were way better and breathtaking to explore. Norway and England are basically open fields, जो कि एक आम खेत की तरह लगते हैं, with not much to see or do. But AC Valhalla is negative को बहुत अच्छे से camouflage कर देती है, with its best exploration system since AC Black Flag. Let me explain how. Older AC games में आपको map पर हर तरह का symbol दिया होता था, जिससे पहले ही पता लग जाता था कि कौन सा side mission है और कौन सा random activity होगी. But AC Valhalla में आपके पास 3 signs हैं, yellow, blue and white. Yellow sign पर आपको बहुत सारी loot मिल जाएगी, blue sign पर आपको कुछ भी mysterious activity देखने को मिल सकती है, जो कि either short side quest हो सकता है या कोई side activity. White sign पर आपको collectibles देखने को मिल जाएंगे, like shanties और Roman artifacts, etc. I'm a big fan of Viking show, and upon playing AC Valhalla, I can say that they have done justice to that era and world. इस game में कुछ भी out of place नहीं लगता है, and सब कुछ अपने time period को अच्छे से represent करता है. इस game का parkour is worst in all of the franchise, and इस game का parkour सिर्फ namesake के लिए डाला गया है. First of all, जिस time period पर ये game सेट है उस टाइम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी लाइक एसी ओडिसी और ओरिजिन्स, तो इसमें पार्कौर फ्लूड करना छोड़ो, नॉर्मल पार्कौर परफॉर्म करना भी अच्छे से नहीं पॉसिबल है. दैट इज़ वाई पार्कौर इज बेयर मिनिमम इन दिस गेम एंड उसको इतना कम प्रमोट किया गया था गेम के लॉन्च के टाइम पर. इस गेम का पार्कौर कम एंड स्पाइडरमैन की तरह वॉल क्लाइंबिंग ज़्यादा लगती है, जो कि बस डाल दी गई है ताकि लोग ज़्यादा गुस्सा ना हो कि पार्कौर रिमूव कर दिया गया. इस गेम में फिर से दो प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलते हैं, बट दिस टाइम यू कैन चेंज योर जेंडर एनी टाइम यू वांट, व्हिच इज़ गुड आई गेस. इस गेम की असैसिन स्टोरी वापस अपने रूट्स पर चली गई है, एंड आई वॉन्ट स्पॉइल एनीथिंग, बट अगर आप पुरानी ऐसी गेम्स की मॉडर्न स्टोरी को मिस करते थे, देन दिस गेम विल बी अ ग्रेट गेम फॉर यू. इस गेम की मॉडर्न डे स्टोरी सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होती है, अनलाइक एसी ओडिसी. इस गेम में जो मॉडर्न डे स्टोरी है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस डाला गया है, एंड काफ़ी रिटर्निंग करेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको ओरिजिनल एसी गेम्स की याद दिला देगी. दिस गेम इज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड आई मीन दैट इवन आफ्टर 100 आवर्स वर्थ ऑफ गेम प्ले आई हैव नॉट कम्प्लीटेड द स्टोरी येट, एंड अभी भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर करने बची हैं. इस गेम का ओपन वर्ल्ड एग्जैक्टली ऐसी ब्लैक फ्लैग जैसा फन है एक्सप्लोर करने में. इस गेम के साइड क्वेस्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से पुट टुगेदर किए गए हैं, एंड बहुत बड़ा अपग्रेड है एसी ओडिसी के ऊपर, क्योंकि एसी ओडिसी के साइड क्वेस्ट यूजली ऐसे होते थे, वहाँ जाओ और उसको मार के आओ. बट इस गेम के साइड क्वेस्ट हैं वो मिस्ट्रीज की तरह बनाए गए हैं, जिसमें डिफरेंट स्टोरी आर्क्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, एक साइड क्वेस्ट में इस गेम के आपको एक एंशियंट इंग्लैंड का फाइट क्लब भी देखने को मिलता है. द वाइकिंग स्टोरी आर्क इज़ आल्सो वेरी गुड एंड इज़ बेस्ड ऑन योर डिसीजंस कम्प्लीटली. इस गेम में दो स्टोरी आर्क्स देखने को मिलती हैं, एक तो है वाइकिंग की रेडिंग वाली आर्क, जिसमें आप नॉर्वे से इंग्लैंड जाते हो और वहाँ पर किंगडम्स पर राज करते हो. जो वाइकिंग की स्टोरी आर्क है मुझे वो असैसिन वाले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी एंड फन लगी. वाइकिंग वाली जो आर्क है वो पूरी तरह आरपीजी बेस्ड है, आपको एक एक डिसीजन लेना पड़ेगा एंड आपको एक अच्छी नॉवल की तरह की फील देगी. इस गेम में दो वर्ल्ड हैं, नॉर्वे एंड इंग्लैंड. नॉर्वे जो था वो बोरिंग था एक्सप्लोर करने में, क्योंकि वो बस स्नो से भरा हुआ था एंड उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, ना ही ज़्यादा स्पेक्टेकुलर व्यूज़ थे. बट इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड रियलिस्टिक है. इंग्लैंड में वेरियस तरह की सीनरीज हैं, लाइवली टाउन्स हैं एंड बहुत अच्छी फील गुड वाइब मिलती है. इस गेम का कॉम्बैट सिस्टम इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट ओवर एसी ओडिसी. मैं कहूँगा इस गेम का जो कॉम्बैट सिस्टम है वो बेस्ट है आज दिन तक की हर असैसिन क्रीड से कंपेयर करने पर भी, क्योंकि इस गेम के
इस गेम में फर्स्ट टाइम, या शायद इसी ओरिजिन्स में था ये सिस्टम, आई डोंट रिमेम्बर, बट इस गेम में आपको कॉम्बैट सिस्टम में स्टैमिना मीटर देखने को मिलता है, विच मीन्स कि जब आप डॉजेस वगैरह करते हो तो आप लिमिटेड अमाउंट में ही कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, जिससे होता ये है कि आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कॉम्बैट के लिए। बट एसी ओडीसी में आप अनलिमिटेड टाइम डॉज कर सकते थे, ब्लॉक कर सकते थे, जिससे जो कॉम्बैट था वो रियलिस्टिक कम और एक कोर ज़्यादा लगती थी। इस गेम में जो कॉम्बैट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, आप शील्ड्स तोड़ सकते हो दूसरे एनिमीज़ की, और जो दूसरे एनिमीज़ हैं वो जल्दी मरते हैं कंपेयर टू एसी ओडीसी। एसी ओडीसी में हर एक करेक्टर जो था वो इस तरह बनाया गया था ताकि माइक्रो ट्रांजैक्शंस की सेल ज़्यादा बढ़े, तो उन्होंने क्या किया था कि हर करेक्टर को बहुत ज़्यादा डैमेज लेने की क्षमता बढ़ा दी थी, तो आपके डैमेज उनको फ़र्क ही नहीं डालते थे, मतलब 15-15 मिनट तक के बैटल्स जाते थे जो कि फ़न नहीं होते थे और एक तरह की सरदर्दी होती थी, बट इस गेम में वो भी नहीं है। साथ ही साथ इस गेम में फाइनली सर को धड़ से अलग करने वाला फीचर भी आ गया है, तो अब आप बाजू काट सकते हो एनिमी की, सर काट सकते हो, एंड वो काफ़ी ज़्यादा वाइकिंग एरा को रिप्रेजेंट करता है। इस गेम का कैमरा एंगल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जब आप वर्ल्ड एक्सप्लोर करोगे, एंड आई डोंट नो हाउ इट इज़ पॉसिबल बट इट मेक्स द गेम अ होल लॉट इमर्सिव। इस गेम का कैमरा एंगल काफ़ी हद तक रेड डेड रिडेम्पशन 2 की तरह है, एंड आई बिलीव ये कॉपी किया गया है, इंस्पिरेशन ली गई है, बट उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है इस गेम को इन माई ओपिनियन, एंड गेम काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट जन एंड इमर्सिव लगती है। अदर देन दैट, जो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा इमर्सिव बनाती है वो है इस गेम के एनिमेशंस, जो कि बहुत अच्छे हो चुके हैं कंपेयर टू एसी ओडीसी। इसमें वॉकिंग एनिमेशन बहुत फ्लूइड है, रियलिस्टिक है, रनिंग एनिमेशन बहुत अच्छा है, हॉर्स का एनिमेशन अभी भी थोड़ा ख़राब ही है बट बिग इम्प्रूवमेंट है ओवर एसी ओडीसी। एसी ओडीसी में तो वर्स्ट एनिमेशन थे किसी भी ट्रिपल ए टाइटल से कंपेयर करें, दौड़ते वक्त ऐसा लगता था उड़ रहा है, चलते वक्त ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल 90s की गेम GTA San Andreas की तरह चलता है, बट इस गेम में काफ़ी रियलिस्टिक एंड रैगडॉली लाइक फील होते हैं। सो ये सब जो पैकेज है इस गेम को बहुत ज़्यादा इमर्सिव बना देता है, एंड काफ़ी ज़्यादा रेड डेड रिडेम्पशन 2 लेवल की गेम को बना देता है, एंड सिर्फ सिमुलेशन बेस्ड नहीं रखता है, रियलिस्टिक टाइप थोड़ा बना देता है। दिस गेम इज़ बाय नो मीन्स परफेक्ट, इसमें ग्लिचेज एंड बग्स बहुत ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू एवरी रिव्यू, और क्लाइंबिंग मैकेनिक्स इस गेम के सबसे घटिया आज दिन तक के किसी भी Assassin's Creed से कंपेयर करो अगर आप, एंड मतलब वो सिर्फ इसलिए डाल दिए गए हैं ताकि आप जेल्डा की तरह किसी भी ऊंचाई पर चढ़ सको व्यू देखने के लिए। अदर देन दैट द पार्कोर डज नॉट हैव एनी बेनिफिट इन दिस गेम। माय हम्बल ओपिनियन, ये गेम Assassin's Creed की गेम कम है एंड वाइकिंग गेम ज़्यादा है, तो इस गेम का नाम Vikings Creed होता तो थोड़ा ज़्यादा सूट करता, एंड आई एम नॉट हेटिंग ऑन दैट थिंग, इट इज़ द डिसीजन ऑफ Ubisoft टू टेक द फ्रेंचाइज वेयर एवर दे वॉन्ट, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को, क्योंकि आई एम ओवर दैट फेस जब मुझे हर गेम Assassin's Creed वाली गेम जो Assassin's Creed जैसी होनी चाहिए थी, इंस्टेड आई लुक एट द गेम्स नाउ विद अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। मैं ये सोच के खेलता हूँ कोई भी Assassin's Creed गेम की, लेट्स सी डेवलपर शो क्या करना चाहता है, क्या स्टोरी, क्या गेम प्ले। तो अगर आप इसको किसी और Assassin's Creed गेम से कंपेयर किए बिना खेलोगे और ये भूल जाओगे कि इसमें टाइटल में Assassin's Creed है, एंड इंस्टेड एज अ वाइकिंग गेम खेलोगे, या इस गेम को एज अ सोलो गेम समझ के खेलोगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, एडिक्टिव लगेगी। बट अगर आप इस गेम को खेलोगे ये सोच कर कि यार ये AC2 की याद नहीं आ रही, ये AC ब्लैक फ्लैग की याद नहीं आ रही, तो आपको ये गेम अच्छी नहीं लगेगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक वाइकिंग गेम्स है एंड Assassin की गेम नहीं है। सो गाइस, दिस वॉज माई होल रिव्यू ऑफ AC Valhalla। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। Please चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। I'll see you next time, and till then too sweet।